जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 बजे उठ गए थे, बच्चों को स्कूल का नाश्ता वाश्ता भी वाइफ ने बना के दे दिया, तो यहीं आज बाहर ही बनाया था नाश्ता, क्योंकि नाश्ता और जो ज़्यादा चीज़ होती है ना वो बाहर ही बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो सिलेंडर पे ही बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सफाई भी देखें आज हो गई है, और अभी टाइम जो हो रहा है ना 7:30 का भी हुआ है, और माशाल्लाह सफाई सफाई भी हो गई है। मदनी भाई लोग कल चले गए थे नानी के घर, अभी वो भी वापस आ गए हैं, बस बाइक भी आ गई, तो अभी चलते हैं, बच्चों ने तैयारी कर ली होगी और अब चलते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने नाश्ते का कुछ करते हैं। और माशाल्लाह ये देखें ये इसकी भी गंदी आदत है, पहले इसका खा लेते हैं बाद में अपना भी खाता रहता है। देखिए अभी इसके पास इसकी साइड में कुछ नहीं है, ठीक है चल। YouTube फैमिली, कौन सी आपकी YouTube फैमिली? चलो सबको बोलो अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हो? क्या कर लियो? मैं जा लियो, बोलो कहाँ जा लियो? कहाँ जा लियो? कहाँ? शकुल अकेले जा लियो? ओए ओए इधर दिखाओ आज तो भाई, खज्जी देखें कितनी बड़ी होगी इसकी। चलो खैर है खैर है, कोई बात, एक मिनट सारा खराब कर दिया गोलू। चलो भाई सलाम करो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। चलो आराम से आराम से आराम से चले भाई। जैसे ही निकले और बाइक पंचर थी, शायद मदनी भाई आए ना सुबह तो पंचर थी, उनको पता ही नहीं चला तो पंचर बाइक पे वो यहाँ तक आ गए हैं। कहते अबू बकर चाचू को पता, वो बस करो ऐसे करने दे, बाल खराब हो जाते हैं, बड़ा हीरो है, सेट करो। चले भाई यहाँ वेट कर रहे हैं कि भाई कब पंचर लगेगा और हम जाएंगे। और ये देखें यहाँ ये भी वेट कर रहे हैं। तो चले भाई अभी हम आए हुए थे खानपुर बिजली घर के इलेक्ट्रिक वालों के पास, मैपको वालों के पास, तो अभी जा रहे हैं हम वापस घर की तरफ, कजन के साथ आया था आजाद भाई के साथ। भाई उसके बाद हम आए हैं डाक खाना, और डाक खाने में अभी बिल जो है ना यहाँ पे करेंगे हम। ये रहा डाक खाना हमारा खानपुर का, तो यहाँ बिल पे करने हैं और इंस्टॉलमेंट करके दिए, और आजाद भाई को जो है ना 774 आई थिंक जो है ना यूनिट्स ज़्यादा डाल के दिए, और 9,000 बिल का, तो अभी 4,000 उन्होंने करके दिया और बोला डाक खाने में आप पे कर लो। तो अब यहाँ आए हुए, यहाँ से फिर जाएंगे आगे की तरफ, और मैं बस नहा धो के फिर यहाँ ही निकल आया था आजाद भाई के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था भी साथ चलो। तो चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए थे, और जो है ना काम जो है ना उनका बस ऐसे समझे ना भी हुआ हो भी गया ऐसे समझे, तो इंस्टॉलमेंट करके उन्होंने दे दी, बोला 4,000 भरो, 9,000 बिल आया था, और 700 और कुछ यूनिट ज्यादा उन्होंने रीडिंग में डाले हुए थे। तो जब यहाँ रीडिंग देखी है तो फिर इतना फर्क आ रहा था, फिर गए, लेकिन अलबत्ता कुछ हुआ नहीं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट करके दे दिए कि 5,000 अगली दफा भरना और 4,000 अभी भरो, तो यानी कुछ फायदा नहीं हुआ हमारे जाने का। तो लेकिन बोल रहे थे कि भाई अगली बार जो है ना आपका बिल नहीं आएगा, 0,0 आएगा, तो देखते हैं क्या होता है, दरख्वास्त वगैरह दे तो आए हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने अपने चेक किए मेरे मीटर पे तो ठीक था, वरना मैंने भी दरख्वास्त का सोच रहा था कि मैं भी एक दे दूं कि भाई इतना बिल क्यों आता है, ना फ्रीजर है ना कुछ है, लेकिन ये है कि घर में नलका नहीं है, मोटर जो है ना ज्यादा चलती है, शायद इस वजह से होता होगा, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि अभी इस मंथ मोटर भी हमने बनवाई है, तो देखेंगे शायद क्या बोलते हैं फिट हो जाए, अगर नेक्स्ट जो है ना बिल कम आए तो देखते हैं क्या होता है। जो है ना मैं जा रहा हूँ अभी इसको जाके बनवा के आते हैं भाई, ये नहीं बन रही, तो इसको चल के अब कारीगर को दिखाते हैं, यहाँ नवाकोट में एक बैठा है तो उनको दिखाते हैं कि भाई इसका क्या इशू है। तो चलें भाई अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं ये बनवा के मैं आ गया, और इसका जो है ना ये चेंज किया और 1300 रुपये लिए, मुझे तो सिर्फ यही चेंज लग रहा है, ये चेंज नहीं हुआ वही है, सिर्फ इसको ये किया हुआ है ऑयल शॉयल और दिया हुआ, सिर्फ यही न्यू चीज़ लग रही है, देखो देख रही हो नज़र आ रही है। तो चलें देखते हैं कि बन गई है या नहीं, अभी चेक करते हैं।
बाकी बच्चों को भी ले आया था, अनाया वो सो रही है, ये सो रहा है, तो व्लॉग श्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि गर्मी है, आपको पता है गर्मियों में व्लॉग श्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता भाई। और यहाँ अबू बकर जो ना, हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं बोलता, आ जाओ आप इधर आओ मेरे साथ आके बैठ जाओ, इधर से आओ, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे आना, ऐसे आ जाओ, कुछ नहीं बोलता, आ जाओ आप, कुछ नहीं बोलता मैं हूँ ना, इधर आ जाओ, इधर 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 बैक साइड पे, बैक साइड पे। अब अगर इसने काट लिया दादी, फिर दादी अगर इसने काट लिया आपको तो, कुकड़ी शुकड़ी हमने बांध ली है, बकरों शकरों को घास शास जो है ना अभी नहीं डाला, उनको घास डालना है, बाकी जो है ना वाइफ यहाँ लगी हुई है, तो इस मैस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये बाहर वाली किचन है। तो अभी जो है ना आज पक रहे हैं क्या, कद्दू शरीफ पक रहे हैं भाई। और ये लड़की कहाँ से आ गई, हेलो बात सुनो, ओए ये क्या कर रही हो, ओ भाई इधर पका रहे हैं, इधर पकाएंगे। तो मुझे जो है ना आपकी भाभी ने बोला है कि एक काम करके दो, तो जल्दी जल्दी मैं वो काम करके देता हूँ, और बिजली भी नहीं है, तो भाई ले आओ सामान ले आओ, मैं कूट दूँ, इधर ही चलो मैं आ रहा हूँ भाई। तो मुझे ना आज जो है ना इधर, ओए हमारी न्यू ईयर जो थी ना, तो इसमें बोला गया कि हमें, वाह जी वाह जी, ये जबरदस्त, तो हमने कूटनी है थूम और अदरक को भाई, ये तो उससे भी जबरदस्त है लकड़ी वाली से, देखे लकड़ी वाली खराब थी ना इसलिए तभी नहीं, फिर भी यानी ये देखे, बस एक आदब गिर गई है मैं, अरे चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो शुरू करो अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ना वो बन के रेडी हो गया, कद्दू का साथ क्या, बिस्मिल्लाह हे रहमा, अरे अरे नहीं ऐसे नहीं, बिस्मिल्लाह हे रहमा निर्रहीम, चलो अभी बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, दुआ करो सबके लिए, हाँ ऐसे सोना बेटा, प्यारा बेटा मेरा, गोलू बेटा, दुआ करो, कैसे कर ली थी सबके लिए की है ना दुआ, हाँ चलो ठीक है अब खाना खाओ भाई। यहाँ मैं जो है ना आड़ू लेके आया था पहले, इस साहबान को जो था ना क्या चाहिए था, मतीला, अब जो है ना मुझे मेरा जूस देख के ना, मिल्क शेक देख के अभी इसके जो है ना लार टपकाने लग गई है, क्या चाहिए आपको, अच्छा अच्छा देता देता हूँ। और यहाँ चाचू ने टेस्ट किया, तो चाचू से पूछेंगे भाई कैसा बने, चाचू भाई मैं तो ये कहूँगा जो भी बाबर की जो कॉपी आप करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में अगर ऐसे करते रहे तो बाबर को आप काट देंगे, वो भी बड़े जूस बनाते हैं, मगर ये ये भाई ये खालिस, शबाज पुत्र बहुत बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई जूस पीने आप, मुझे आपको भी पीने, मुझे चलो ठीक है ठीक है। तो चलें भाई अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग को करते हैं एंड, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुजरा, दिन अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का करम है, एहसान है मालिक का। और आज जो है ना मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, वरना दो तीन दिन से ना कुछ ऐसे ही अंदर से ना अपसेट था आपका भाई चल रहा है, तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट किया, लेकिन आज कुछ कोशिश की है कि ब्लॉग शूट कर सकूं। और वो बोलती है ना जब आप अंदर से टूट चुके हो ना, फिर आपके पास बहाना क्या होता है, गर्मी है कुछ ऐसा सीन है, लेकिन बाकी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बहाने ढूंढा होता है कुछ ना कुछ, या तबीयत खराब बोल देता हूँ या कुछ और बोल देता हूँ, तो बस ये सीन है। उसके अलावा बहुत सारा प्यार उन लोगों के लिए जो जो लोग जो बहनें माएँ आके कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, उसके अलावा क्या ही बोल सकते हैं, बस दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, और कोशिश कीजिएगा साथ रहें, करते रहें, देखते रहें, ये जर्नी है लाइफ की, गुजर ही जाएगी, एक ना एक दिन वैसे भी कब्र में ही जाने, तो बस यही सीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में,
दुआ में रखिएगा यार।